चुनौती, वो शब्द जिसने लोगों के मन में घृणा को उजागर कर दिया। अगर आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको चैलेंज से रूबरू होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ना चाहें तो आपकी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता। अपने आप पर विश्वास रख, अपने अंदर सुधार कर आप अपनी कमी दूर कर सकते हैं। उसकी उम्र उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी और उसकी अनुभवहीनता उसका सबसे बड़ा बोझ। तो उसने अपने आप को चैलेंज दिया, अपनी उम्र को मैच्योरिटी में बदला और अनुभवहीनता को इम्प्रूव किया और आज अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड में बनाया डायमंड लीडर मिस्टर डागरी नागार्जुन रेड्डी। तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी शहर का एक गांव आत्मापुर, यही निवास है किसान परिवार श्री बाल रेड्डी का, जो अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी के साथ अपने दो बच्चों के साथ में रहते। धन धान्य से संपन्न श्री बाल रेड्डी के घर इनके बड़े पुत्र का जन्म हुआ 24/8/1993 को, नाम रखा नागार्जुन। परिवार संपन्न था तो खेतों की मिट्टी के साथ स्कूल के द्वार सबसे पहले खुले। प्राइमरी पाठशाला आत्मापुर से ही प्राइमरी की शिक्षा पूर्ण की, 6 से 10वीं की APRS मदनूर से। इंटरमीडिएट पास करने का स्थान बना आर्यभट्ट जूनियर कॉलेज, यहां से परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने गोपाल रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए। यहां पूर्ण मन लगाकर अपनी शिक्षा में लगे रहे। बीटेक पास आउट हुए तो नौकरी की तैयारी जरूरी थी तो कोचिंग लगाई और सरकारी नौकरी का प्रयत्न करने लगे। तभी मामा मनोहर रेड्डी ने सेफ शॉप का प्लान दिखाया और सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया। मामा के सानिध्य में ट्रेनिंग और कोर ट्रेनिंग लेना सीखा, प्लान बताना सीखा, इसी व्यवसाय को अपना कर्म क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया और निकल पड़े सेफ शॉप की रणभूमि में। यहां चक्रव्यूह नहीं था पर शब्द भेदी बाण नागार्जुन का इंतजार कर रहे थे। फील्ड में निकले, 12वीं से बीटेक तक के सभी दोस्तों को प्लान दिखाया पर उनके परिवार और वो कभी खुद उनकी अनुभवहीनता पर प्रश्न चिन्ह लगाते तो कभी कम उम्र का हवाला देते, पर समय सब कुछ सिखाता है, अगर आप सीखना चाहो तो। नागार्जुन अपने परिवार से बात करते पर वहां नौकरी का दबाव बनाया जाता तो वहां से मदद मिलना बंद हुई। अब निर्णय कठिन था, सेफ शॉप या परिवार, किसी एक को चुनना जरूरी था तो नागार्जुन ने सेफ शॉप की राह को चुना और चल निकले। बस अपने ऑटो और पैदल जो साधन मिला उससे प्लान दिखाने लगे। चलना पूछना पूछ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना, गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना, जीत का जुनू है तो हार सोचना, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्ता बनना है, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे
तो अंजय सर की मेंटरशिप में काम करना शुरू कर दिया, जहां उम्र को मैच्योरिटी में बदलने का रास्ता मिला और कोच यादागिरी सर ने अनुभवहीनता को दूर किया। तो टीम ने रफ्तार को पकड़ा और आज कोरोना के उस दौर को पीछे छोड़ते हुए अपनी सफलता के परचम को लहराया मिस्टर डागरी नागार्जुन रेड्डी, सेफ शॉप के डायमंड लीडर। सकल विश्व के हम है विजेता, जिसकी गवाही जग है।